अस्सलाम वालेकुम, मैं आज आपसे बहुत ज़्यादा सिंपल और इंस्टेंट रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है चिकन रोल पराठा। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने बोनलेस चिकन, जिसे मैंने क्यूब कट करके रखा है, पराठों के लिए मैंने डो बना के रखी है। सिंपल ऑल पर्पज़ फ्लोर की डो है। आप अगर नहीं पसंद करते मैदा तो आप चक्की का जो गंदम का आटा है उसका भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने तकरीबन 2 ब्रेस्ट पीस लिया और इतना छोटा काटा है, ना ज़्यादा बड़ा काटेंगे ना ज़्यादा छोटा। और मैंने यहाँ पर प्याज को स्लाइस कट कर लिया है, जिसे मैंने लेमन इसमें डाला है और थोड़े सा धनिया और पुदीना। और इमली की चटनी मैंने यहाँ, ये होम मेड है, इसकी रेसिपी मौजूद है और ये बहुत मज़ेदार सी इमली गुड़ और खजूर की चटनी है। बहुत मज़ेदार सी चटनी होती है, इसे ज़रूर बनाइएगा और इसके साथ ज़रूर सर्व कीजिएगा। तो सबसे पहले हम चिकन रेडी करेंगे। बहुत सिंपल तरीके से चिकन मैं बना रही हूँ, आप चाहें तो अपनी पसंद से भी बना सकते हैं, टिक्का मसाले भी डाल सकते हैं या कुछ भी मसाला डाल सकते हैं, लेकिन मैंने घर के मसाले से किस तरह बनाइए देखिए। सबसे पहले एक पैन गरम करेंगे, उसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ऑयल को गरम करेंगे। ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे, मैंने यहाँ पर बहुत कम ऑयल यूज़ किया है, तकरीबन 3-4 टेबलस्पून। इसमें मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून ज़ीरा जब तेल गर्म हो जाएगा। जैसे ही ज़ीरा फ्राई होने लगेगा और ज़ीरे की खुशबू आने लगेगी तो मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। तो ये हो चुका है, मैं इसमें चिकन डालूँगी और चिकन को मैं जब तक फ्राई करूँगी जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। अमूमन चिकन 3 मिनट में रेडी हो जाती है, 3 से 5 मिनट। और मैं इसमें पानी नहीं डाल रही, जो चिकन का पानी निकलेगा ये उसी में पकेगी। ये इसका कलर चेंज हो चुका है, अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। और इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर और धनिया पाउडर। ये डिपेंड करता है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है। सॉल्ट टू टेस्ट, बस ये सिर्फ 4 स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड किए हैं। सॉल्ट हटा के तो 3 स्पाइसेस ऐड किए, और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। आप ये चिकन बना के फ्रीजर या फ्रिज में भी रख सकते हैं 1 से 2 दिन के लिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मसाले में चिकन को पका लेंगे इसी तरह से। तो ये हो चुकी है, पक चुकी है, मसाला एब्जॉर्ब हो चुका है इसमें। अब मैंने मसाला डालने के बाद इसे 5 से 7 मिनट तक पकाया है। तो आपने भी इसे, जब आपको फील हो कि मसाला रेडी हो चुका है और खुशबू आने लग गई है, हल्दी की महक ख़त्म हो गई, तो आप इसे हटा दें। अब मैं इसमें स्मोक लगाऊंगी। तो ये मैंने यहाँ चारकोल को बिल्कुल गर्म करके रखा है, ऑयल डाल के इसमें मैं स्मोक लगाऊंगी और इसे ढक देंगे। अच्छा, स्मोक लगाते हुए अक्सर लोग क्या करते हैं कि स्मोक लगा के ढक्कन रखते हैं और फौरन हटा देते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये देखें जो स्टीम इसके अंदर है, जब तक कि स्टीम इसी के अंदर ना ख़त्म हो जाए आपने लिड नहीं हटानी। अब ये जो स्टीम है ये अंदर ही, इसी के अंदर ही ख़त्म होती रहेगी, ये जो भी आपका खाना है ये उसके अंदर एब्जॉर्ब होती रहेगी, इसे आपने होने देना है, फौरन लिड नहीं हटानी। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता हो रही है ख़त्म। ये हो चुकी ख़त्म। अब हम ये देखें, स्मोक जो थी वो सारे चिकन में ही ख़त्म होगी, मैं इसे भी ढका ही रहने दूंगी। तो ये मैंने यहाँ पर पेड़े बना लिए हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा और छोटा लेना चाहेंगे। मैंने मीडियम साइज़ का लिया है, तो इससे मीडियम पराठा ही बनेगा। तो इतने इंच का पराठा बनाया है, इतना थिन और पतला बनाया है, आप देख लें कितना बड़ा है। और इसकी जो लेयर है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इतनी पतली लेयर का, ना मोटा होना चाहिए ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। तो इसे गरम तवे पे हम फ्राई कर लेंगे। तो पराठा बन गया, जिस तरह मैंने पहला पराठा बनाया था इसी तरह मैंने बाकी सारे पराठे भी बना लिए। अब हम इसकी असेंबलिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं इसके ऊपर केचप पूरा स्प्रेड कर दूंगी, जिस तरह हम जैम लगाते हैं उसी तरह केचप इसके ऊपर पूरा स्प्रेड कर देंगे। और फिलिंग हमेशा कम रखिएगा, कम फिलिंग में ये होता है कि जब आप खाते हैं तो वो गिरता नहीं है। अगर आप पूरा इसको भर देंगे
तो वो बहुत ओवर हो जाएगा और जब खाते हुए गिरेगा। मैं इसमें ज़्यादा चिकन नहीं रखूँगी, बहुत थोड़े से चिकन चंक्स रखूँगी क्योंकि इसमें और भी चीज़ें जाएंगी। मैंने इसमें तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5, 6 पीसेस रखे हैं, ज़्यादा नहीं रखे हैं। चलिए सारे इसके ऊपर मैं डालूँगी प्याज। प्याज को बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा, सारी जो उसकी तेज़ और महक है वो सब ख़त्म हो जाए। लेमन जूस डालना है आपने इसमें, और फिर इसमें धनिया और पुदीना, बहुत अच्छा जायका आता है। इसमें मैं डालूँगी मायनीज। अब मैं इसमें डाल रही हूँ इमली की चटनी, आप हरी चटनी भी डाल सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद है, और ये तो लाजमी बना कर डालिएगा, बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, जब मैंने मायनीज ऐड करी तो अब इसमें 1000 आइलैंड सॉस भी डाल सकते हैं, आप इसमें मस्टर्ड सॉस भी डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आपको क्या क्या पसंद है। अब मैं इसे फोल्ड कर दूँगी तो ये मेरा पहला रेडी हो चुका है। इसी तरह मैं बाकी सारे भी रेडी कर लूँगी और इसे मैं एलुमिनियम फॉइल में फोल्ड कर दूँगी लाइक दिस। इससे होता क्या है, जो आपका पराठा है वो फ्रेश रहता है 3 से 4 घंटे तक के लिए, बिल्कुल फ्रेश रहेगा, ना ख़राब होगा और ना ठंडा होगा। अगर आपके पास नहीं है एलुमिनियम फॉइल तो आप सिंपल पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। तो जिस तरह मैंने ये बनाया इस तरह मैं बाकी सारे भी रेडी कर लूँगी। तो ये सब रेडी हो चुके हैं, बहुत सिंपल ईजी रेसिपी है, बहुत डिलीशियस है और इंस्टेंट रेसिपी, मतलब फ़ौरन बन जाती है। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा और ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।